हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा दुबई के बारे में, जो कि दुबई में एक नया नियम लागू हो गया है। इस नियम के अनुसार 6 महीने के लिए जेल हो सकती है और 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं, तो प्लीज हमारे साथ वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं लेके आता रहता हूं तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहेगी और वीडियो को आप लोग पहले देख लोगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ये जानकारी आप लोग दुबई में जो लोग रहते हैं उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी, ताकि वो लोग भी कोई गलती ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका वीडियो को शुरू करता हूं, मिलता हूं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं, तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। संयुक्त अरब अमीरात में एक नया कानून लागू लाया गया है। यह कानून जनता उन सबके लिए जरूरी है जो यूएई में रहते हैं और मोबाइल सेवा का उपयोग करते हैं। पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल के जरिए किसी को इंसल्ट करता है तो उसे 6 महीने तक का जेल हो सकता है और 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी भी प्रवासी कामगार के साथ अगर ऐसा कंप्लेन आता है तो 6 महीने तक के लिए जेल और उन दौरान वह देश से बाहर भी नहीं जा सकता है। स्थायी नियमों के उल्लंघन पर एम्बेसी भी सीमित सहायता कर सकता है। आप सबसे अनुरोध है कि किसी भी अनजाने यूएई नंबर पर नहीं फ़ोन करें और ना ही किसी को फ़ोन पर यूएई में इंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोग यूएई में जो लोग रहते हैं उन लोगों तक ये शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस सब चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार वालों का विशेष ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय।